किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो हम बना रहे हैं गुरविंदर डेयरी फार्म पे। आज इनके पास 20-25 गायें फार्म पे है, जो कि सारी की सारी गायें सेल करी है। कहाँ के लिए सेल करी है और आज इनके फार्म पे जो गायें हैं उनका क्या रेट है, कितने दूध की गायें हैं, लैक्टेशन कौन सा है, सीमन का बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। किसी भी किसान ने अगर गुरविंदर भाई से गायें खरीदनी है तो इनका जो नंबर है स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। डिलीवरी है जो इनकी ऑल इंडिया की रहती है। भारत के किसी भी कोने से अगर आपने गायें खरीदनी है तो जो स्क्रीन पे नंबर है उस पे संपर्क करो, गायें घर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी इनकी रहेगी। तो आइए इनके साथ मुलाकात करते हैं। उससे पहले जो किसान मालवा फार्म के साथ नहीं जुड़े, मालवा फार्म के साथ जरूर जुड़ो, पेज को फॉलो जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपने टॉप क्वालिटी की जो ब्रीड होती है ना, पंजाब की टॉप की ब्रीड खरीदनी है तो एक बार इस फार्म पे विजिट जरूर करना। पंजाब के बठिंडा एरिया में भाई का फार्म है। पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार भाई। नमस्कार सर जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। आज फार्म पे टोटल कितनी गायें अवेलेबल है? टोटल 28 एनिमल अवेलेबल है सर। 28 के सेल है। गुजरात जा रहे हैं सर, पालनपुर के बाजू में दीसा के आगे कुछ गांव है सर। महाराष्ट्र जा रहे हैं और सेकंड हरियाणा में जा रहे हैं सर, और एमपी में भी 4 गाँव जा रही है। टोटली कवर स्टेट है, सभी में 5-5 गाय करके जा रही है सर, और गुजरात में 10 एनिमल जा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात ये है, अभी मैं गाय से स्टार्ट किया था, आज सभी गाय से स्टार्ट किया था, लेकिन गाय तक सीमित नहीं रहा, वहाँ तक पारिवारिक रिलेशन भी बन चुके हैं। पारिवारिक रिलेशन कैसे बन चुके हैं, मैं उसके बारे में बहुत अच्छी दास्तान देना चाहूँगा। बात करेंगे महाराष्ट्र के पूना के गांव वाड़े का तालुका की सर। मेरे साथ 2 साल पहले एक फार्मर आए थे, मेरे से एनिमल लेके गए थे, और मैंने जी जान लगा के अपनी खेत सेल करके आए थे, मैंने जी जान लगा के उनको एनिमल दिए। 40 एनिमल अभी उनके पास है। उस टाइम काफ़ी उम्र बड़ी हो गई थी, मैंने उनको बोला भी आपके पास 7-8 एकड़ जमीन भी है, लेकिन आपको शादी नहीं हुई। बोलते हैं हमारे कोई खेती वाले को लड़की नहीं देता। और मैं क्या गाय का बिजनेस कर रहे हो तो गोबर वाले को कैसे देखा ना, देखते हैं भी हम ऊपर लेवल तक लेके जाएंगे। तो वही बात हुआ, 2 साल में उनके ऐसा फार्म सेट हुआ भी 40 एनिमल हो गए, अच्छा मिल्किंग चलने के दफ्तर बन गया, घर अच्छा बन गया। तो आज उनके साथ पारिवारिक रिलेशन, उनकी शादी है, और मेरे को महाराष्ट्र से इन्विटेशन आया मैरिज का। प्लस पॉइंट इन्विटेशन तो आई है, उन्होंने क्या बोला भी आपकी हम आने जाने की टिकट करवा के देते हैं। मैंने उनको एक ही सवाल किया भी आप आने जाने की टिकट में 30-40 हज़ार रुपये लगा दोगे, मेरे आने जाने से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपकी शादी तो वैसे भी हो जाएगी। उन्होंने बोला भी मेरी शादी करवाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैं हंस पड़ा, मैं उनको भी यार मेरी आपकी शादी में मेरा क्या हाथ हो सकता है। कहते अगर आपने हमें सही एनिमल ना दिए होते ना तो हमारी शादी होती, ना हम इतने बड़े बिजनेस लेवल तक पहुँचते, ना इस पोजिशन पर पहुँचते, तो आप हमारे गुरु हो। और बड़ा खुशी से मन महसूस हुआ भी एक गाय से उठे थे, उनके साथ पारिवारिक रिलेशन जुड़ चुके हैं। नहीं कौन 2000 किलोमीटर से पंजाब में शादी में इन्विटेशन देगा, कोई मेरा भाई थोड़ी, कोई रिश्तेदार थोड़ी लगता है। एक गाय से डाता हुआ था, अच्छी गाय दे दी, उनका रोजगार अच्छा चलिया, और 28 को महाराष्ट्र में शादी है। और माफ़ी भी चाहूँगा अगर टाइम मिला, टिकट का बोला भी टिकट हम करवा के दे रहे हैं, आप चाहे 2 घंटे आओ हमारी शादी में आओ। बड़े फ़ख्र से बुलाया, पर मेरा भी ऐसा करता हूँ मैं ज़रूर जाऊँ उनकी, उनसे मिल के आऊँ एक बार, चाहे 2 घंटे के लिए जाऊँ, देखते हैं सर आगे टाइम मिला तो ज़रूर जाएंगे। मैं इन बातों में ये निकालना चाहता हूँ भी गाय से उठे थे पारिवारिक रिलेशन बन गए। अगर सभी की सोच थिंकिंग होगी तो सभी का माइंड अच्छा होएगा, तो सभी के साथ पारिवारिक रिलेशन बन जाएंगे। मैं फिर बोलता हूँ, मैं 2015 पे यूट्यूब पे आया था, आज यूट्यूब पे कुछ भी चल रहा है या कल कुछ भी चल रहा है, मैं पीछे मेरे क्या कोई बोल रहा है मैं उसको बारे में नहीं सुनता, क्योंकि जब कोई आदमी ऊपर की पौड़ी चढ़ता है ना तो उसकी लातें खींचने वाले 100 आते हैं। तो मैं पीछे वाले 100 को नहीं देखता, मैं आगे वाले देखता हूँ जो मेरे 10 सामने खड़े हैं सर, उनको देखता हूँ भी मेरे साथ वो 10 खड़े हैं, पीछे वाले की क्या ताकता भी मेरे को नीचे गिरा दें। मैं सभी फार्मर के साथ, महाराष्ट्र के साथ ऐसे लिंक बन चुके हैं आपके सामने सर, शादियों पे जाने का मौका मिल रहा है, बड़ी खुशी होती है। बड़ी खुशी इसलिए नहीं होती भी हमें शादी में बुलाया जा हमें कोई, बड़ी खुशी होती भी इतना फ़ख्र महसूस करते हैं हमारे पे, इतनी कम उम्र में इतना फ़ख्र महसूस करते हैं, आँखों में सर आंसू आ जाते हैं भी आज तो गुरविंदर ने उनका दिल तो जीता ही जीता, एक ईमानदारी की मिसाल भी खड़ी कर दी है सर।
आज की जो गाय हैं जी एवरेज रेट क्या रहेगा सर? एवरेज रेट हमारा 65 से स्टार्टिंग होके 70 से स्टार्टिंग होके 150 तक है। हमारे पास एक ही मैं आपको बताना चाहूंगा, मिनिमम 30 लीटर की एनिमल लो, अगर 30 लीटर से नीचे एनिमल लोगे तो आपका डेयरी फार्म चलाने का और मेरा सेल करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप मेरी कोई भी गाय पे कैमरा कमाओगे, हर गाय में हर वीडियो में एक नई गाय मिलेगी आपको। सेकंड, आपको ऑर्डर की क्वालिटी देख लिए सर, फॉरेन टच हुए ऑर्डर और ब्रीडिंग के समथिंग मैं काम करता हूँ, ब्रीडिंग पे फोकस करता हूँ ताकि आगे जाके अच्छी उनको एक मिल्किंग दे, अच्छा एनवायरमेंट सूटेबल कर दे तो कस्टमर फिर बैकअप आए। सर पैसों का मसला नहीं है, पैसे हाथों की मैल आज है कल नहीं है, दिल जीतना प्यार करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और महाराष्ट्र वाले भाइयों को तहे दिल से हाथ जोड़ के शुक्रगुजार करता हूँ भी आपने इस लायक समझा। तो आज की गाय चला कर दिखाइए। बिल्कुल सर, ये पहली गाय चला दीजिए सर। ऑर्डर में देखिए बहुत रेयर गाय को ऑर्डर लगता है सर, बोल देते हैं सभी ब्रीडिंग है, स्ट्राइकर की खुद है सर, पैनी मेकर से प्रेग्नेंट है। ऑर्डर देखिए सर, लैक्टेशन सेकंड लैक्टेशन 60 थे सर, 40 लीटर नियर अबाउट मिल्किंग कर देना सर इसने, 40 लीटर नियर अबाउट, बहुत अच्छे फार्म की गाय है सर। ऑर्डर देखिए सर, मैं बोलता हूँ अगर इसने 40 लीटर नहीं दिया मेरा गाय सेल करने का और आपका गाय प्रोसेसिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है, महाराष्ट्र को जा रही है सर। देखिए बाग कमाल ऑर्डर लगा, वो कट वाला रेडी है सर, गाय 5-4 दिन में बच्चा दे देगी और 40 लीटर से नीचे कम दूध नहीं देती। मैं तो बोलता हूँ अगर सर्दियाँ होती तो 45 दे देती, लेकिन नियर अबाउट 40 लीटर दे देगी। फर्स्ट टाइम में क्या दूध किया था गाय ने? 38 लीटर बोला फार्मर ने दिया, मैं तो इस बार 45 नहीं बोला, मैं 40 लीटर ही बोलता हूँ, 40 लीटर के नियर अबाउट मिल्किंग कर देगी, क्योंकि आगे ज़्यादा बोलेंगे तो कस्टमर का झूठ तो बोल सकते हैं पर दिल नहीं जीत सकते सर। क्या रेट में सेल किया सर? मैं रेट की बात करूँगा तो 40 लीटर का 1,05,000 में दिया सर, और देखिए सर बाग कमाल ऑर्डर सर, ऐसा ऑर्डर कट वाला ऑर्डर सर, अगर 100 की वीडियो देखोगे ना तो एक आधी वीडियो में ऐसी गाय आती है। कब लोड करनी है गाय? सर आज ही लोड करेंगे सर, अगर रास्ते में डिलीवरी हो सर। मैं अब तो ना हमारी डेयरी फार्म का 70% गाय का इंश्योरेंस रहता है, लास्ट टाइम एक गाय की लॉस भी हो गया था तो हमने उनको 70% इंश्योरेंस दिया है, क्योंकि कस्टमर मेरे विश्वास पे आता है, ऐसा नहीं है भी कस्टमर किसी और के विश्वास पे जाता है, क्योंकि आज हम कस्टमर के साथ जाता जैसा बिहेवियर कर लेंगे वैसे ही कस्टमर आगे बढ़ जाएगा। देखिए सर ऑर्डर में देखिए, हाइट में, लेंथ में, बॉडी वेट में बाग कमाल गाय है सर, बहुत रेयर गाय ऐसी देखने को मिलती है सर, चेक करो सर। मैं इसका 60 लीटर भी बोल सकता हूँ, पर मैं बोलता हूँ झूठ से धंधा नहीं चलता, झूठ से बिजनेस आगे नहीं बढ़ते, ईमानदारी का बिजनेस ही आगे बढ़ता है सर। टॉप क्लास DCS लेवल देखिए गाय का कितना अच्छा है, 40 है सर, सेकंड लोकेशन मिनिमम, मैं मिनिमम मिल्किंग लगाता हूँ कम से कम 38 लीटर से, अगर कम होगी तो गाय रिप्लेसमेंट पैसा वापस। वीडियो ये कहना बहुत आसान है पर मैं वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ आपको, कहना बहुत आसान है। कहाँ भेजिए जाए सर? ये भी महाराष्ट्र को जा रही है, सिर्फ मैं बोलता हूँ। देखिए सर बाग कमाल ऑर्डर सर, कट वाला ऑर्डर, अभी 4 ही टीथ है और अरमाडा से प्रेग्नेंट है। टोटली आपको गाय का रिकॉर्ड मिलेगा सर, प्लस उसके सीमन का रिकॉर्ड मिलेगा, प्लस उसकी बॉडी वेट का सारा, उसका वैक्सीन का रिकॉर्ड मिलेगा। टोटल हम रिकॉर्ड के साथ एनिमल लेते हैं सर ताकि आगे जाके सर्वाइव कर दे सर। देखिए बाग कमाल ऑर्डर सर, ऐसे ऑर्डर ऐसी एनिमल बहुत रेयर देखने को मिलेंगे सर। फिर बोलता हूँ गाय तो हर कोई सेल कर देते हैं, गाय तो हर कोई सेल कर देते हैं, पर सेल करने का तब फायदा जब उनको एक अच्छी गाय दो आगे जाके कस्टमर के सर्वाइव करें, तो आपके साथ भी सभी कस्टमर का हमारी रिलेशन बने। मैं रेट की बात करूँ तो 1,00,000 के पुट्ठे से दिए 5 गाय सर, अरे सिंगल का रेट लगाएंगे तो 1,05,000 हो जाएगा सर, ऐसे ही होगा, क्योंकि 40 लीटर के नियर अबाउट मिल्किंग कर देगी, अगर अच्छा जानकार है तो 40 से प्लस भी देंगे। देखिए सर गाय का छोटा फेस, बिल्कुल कान, ब्यूटी, कट वाला ऑर्डर, अभी भी गाय 10 डेज पेंडिंग है, अभी आपको लग रहा होगा अभी ऑर्डर अभी रेडी हो गया। टाइम BCS लेवल देखिए गाय का कितना अच्छा, गाय में अगर पॉइंट देखेंगे ना तो 100 के 100 करेक्टर है सर इसमें, वो वीकली पॉइंट गाय में कोई भी नहीं है। अगर गाय की बात माथे की डंगाई देखो सर, नीचे का हार्ट का साइज, नस क्वालिटी, ऑर्डर क्वालिटी, वेन भी टॉप क्लास के एनिमल हैं। फिर बोलता हूँ एनिमल ऐसे दो ताकि आगे जाके आगे वाला पूछे भी कहाँ से एनिमल लेके हो, वो एनिमल दो, वो एनिमल मत दो जी जाके सर्वाइव ना करे, एक बार हम कस्टमर को एनिमल दे उसके बाद फ़ोन ना उठाएंगे, ऐसा कुछ ना करें, एनिमल वैसे दो ताकि आगे जाके सर्वाइव करें, कस्टमर रिपीट आए। वीडियो के माध्यम से रिपीट नहीं आना चाहिए कस्टमर, कस्टमर आपके एनिमल के माध्यम से रिपीट आना चाहिए, अगर आपके एनिमल अच्छे हैं तो। आज तो सर कोई भी गाय देख लो, आज नहीं सभी वीडियो में हमारी कोशिश रहती है अभी एक से एक बढ़कर एनिमल दिखाएं सर। ये भी एक ही फार्म के सर, मिल्किंग वेन देखिए कहाँ से स्टार्ट हो जाती है गाय की, और ऑर्डर क्वालिटी देखिए सर पीछे से देखिए। मैं नहीं बोलूँगा, मेरा काम ही बोलेगा सर, मैं बोल के तारीफ कर सकता हूँ अपने, पर जब एनिमल के सामने आप देखते हो ना, एनिमल खुद ही बताता है मैं कितने लीटर वाला हूँ। लैक्टेशन सेकंड लैक्टेशन में 60 सर, और
40 लीटर के नियर अबाउट मिल्किंग कर देगी सर, अब भी बोल सकते हैं लेकिन 5 लीटर कम बोल के दे रहे हैं ताकि आगे जाके कस्टमर के मिल्किंग करे तो कस्टमर रिपीट आए। और मैं बात करूँ हरियाणा में जा रही है सर, जींद की साइड जा रही है, फार्मर खुद आए हुए हैं और पहले भी हमारे से एनिमल लेके गए, इस बार भी 4 एनिमल लेके, पहले जितना मिल्किंग बोला था उतना मिल्किंग निकला है, फार्मर खुद आए हुए हैं, उनसे बातचीत कराएंगे। और मेरे पास से कहीं से भी ये फार्मर आ जाए ना, मेरी एक ही कोशिश रहती है भी उनको ऐसा नहीं हो अगर 4 लेने हैं तो 5 दे दो, जो 5 लेने हैं मैं उनको बोलता हूँ एक एनिमल कम ले दो पर अच्छा ले दो, वो बोलते हैं हम आपको क्या भी अच्छा लेने से आपको क्या भी, हमें तो मिल्किंग चाहिए। कई बार बोल देते हैं मिल्किंग चाहिए, मैं मिल्किंग पे नहीं प्लस ब्रीड भी होनी चाहिए, ब्रीड अच्छी होगी तो आपके आगे जाके बच्चे अच्छे देंगे, बच्चे अच्छे देंगे तो सर ये भी नियर अबाउट 1,05,000 के लॉट में है सर, सिंगल का प्राइस 1,05,000 अगर लॉट में हमने 4 गए उनको 1,00,000 के प्राइस में दे दिया सर। और चेक करिए सर कट वाला आर्डर, फेस क्वालिटी, हाइट, लेंथ, बॉडी वेट, बीसीएस लेवल, गाय की फिर बोलता हूँ बहुत सारी पहचान होती है जो पहचानने वाले होती है। आज के टाइम में क्या होता है अभी 2 साल में हम वीडियो में आ जाते हैं बोल देते हैं हमारे पास ब्रीड मिलती है, पर ब्रीड के बारे में परखना, ब्रीड के बारे में देखना 5-7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैं बोलता हूँ अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर हम उनको ब्रीड बोलेंगे, अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप एक ब्लैक कलर के माध्यम से ब्रीड बोल रहे हैं तो वो आपकी बातें फेक है। आप जेन्युइन रेट से एनिमल दो, जेन्युइन रेट से आप एनिमल प्रोसेसिंग करो, फिर मैं आपको बोलता हूँ आप जब भी पंजाब आ रहे हो सभी डेयरी फार्म में जाओ, उसमें जाके आप एक अच्छी जानकारी लेके फिर एनिमल प्रोसेसिंग करो ताकि आगे जाके आपका डेयरी फार्म एक अच्छे लेवल पे जाके। आज के टाइम में फेल होने का डेयरी फार्म कारण क्या रहता है, जब आपके पास अच्छे एनिमल नहीं होते, अच्छी ब्रीड नहीं होती, अगर अच्छी ब्रीड नहीं है तो अच्छे एनिमल नहीं है तो आपका डेयरी फार्म आगे नहीं जाएगा सर। बीसीएस लेवल से देखिए, लैक स्कोर से लेवल से देखिए, आर्डर के लेवल से देखिए, हांचल के गैप से लेवल देखिए, पूछ की देखिए सर, छोटी पूछ लैक घुटनों से ऊपर सर, नेक की लंबाई सभी एक लेवल है सर, ऐसे ऐसे एनिमल आपको हायर मिल्किंग करते हैं सर। सेकंड लोकेशन में सर 4 टीथ फार्म की है सर, प्योर फार्म का टैकिंग द्वारा कान टोटली गए का रिकॉर्ड है सर अपने पास, ऐसा नहीं फेक बोल रहे हैं वीडियो में, रिकॉर्ड के साथ बोल रहे हैं, वैक्सीन हुई हुई है और इस गाय का फार्मर को ब्रूसी टेस्ट करवाना था वो भी टेस्ट करवा के दिया सर। लैक्टेशन सेकंड 4 ही टीथ है सर। और दूध की बात करें तो मैं 35 लीटर मिल्किंग बोलता हूँ इसका, नॉर्मल बात है दे देगी सर 35 लीटर 35 लीटर। और हरियाणा में जा रही है सर और 95 में हमने दिया सर। आर्डर क्वालिटी देखिए सर, लेग स्कोर देखिए, ब्रीड के मामले में हमारा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं रहता। फिर बोलता हूँ अगर फार्मर के साथ ब्रीड होगी तो ये आगे उसका डेयरी फार्म चलेगा, अगर उसके पास ब्रीड ही अच्छी नहीं है, उसके पास एनिमल ही अच्छे नहीं है और फिर उसका डेयरी फार्म आगे नहीं जाता, क्योंकि मिल्किंग के ऊपर कभी भी डेयरी फार्म आगे नहीं होते, मिल्किंग से पैसा नहीं है, क्योंकि आगे वाली उनकी जनरेशन आएगी जो उनके पास में बचेगी वही उनका डेयरी फार्म उनका सक्सेसफुल होना है, अगर उनके पास जनरेशन ही अच्छी नहीं है मिल्किंग करते रहेंगे तो मिल्किंग से नहीं गाय का पैसा पूरा होता, जनरेशन अच्छी होगी तो बाहर से एनिमल प्रोसेसिंग करने बंद करेंगे तो अपने घर की ब्रीड तैयार होगी तब उनके पास जाके एक प्रॉफिट लेवल होएगा, क्योंकि हमें अगर क्रॉसिंग ले जाएंगे अगर उनका क्रॉसिंग का बच्चा ही पालेंगे तो सेम डाइट रहनी है, जब उस क्रॉसिंग के बच्चे का रिजल्ट देखते हैं तो 15 लीटर 16 लीटर चलता है पर, लेकिन ब्रीड वाला बच्चा होता है जो मिनिमम 30 लीटर पे चलता है, क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन आ चुकी है पंजाब की गाय जो 82 लीटर पे पहुंच चुकी है और सीमनों पे बहुत अच्छा फोकस किया जा रहा है। और आप कमेंट करो नीचे गाय के बीसीएस लेवल देखो, गाय का आर्डर क्वालिटी देखो, मिल्किंग वेन, हाइट, लेंथ, फेस क्वालिटी सर सभी टॉप है सर। और मैं बोलता हूँ ऐसे एनिमल आप रखोगे तो कभी भी डेयरी फार्म सक्सेसफुल, अपना डेयरी फार्म फेल नहीं होएगा, सॉरी सर आपका डेयरी फार्म सक्सेसफुल की तरफ ही जाएगा। फिर बोलता हूँ मैं सभी कस्टमर को अपना बना के ही एनिमल देता हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ, आज महाराष्ट्र से मैरिज से बुलावे आ रहे हैं, किनकी वजह से, इनकी गाय की दौलत, क्योंकि मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है उधर, कोई मेरे को जानने पहचानने वाला नहीं है। फिर बोलता हूँ गुरविंदर को तो एक गाँव में जानते थे, अगर आज महाराष्ट्र से मैरिज के बुलावे आ रहे हैं ना तो वो इनकी बदौलत आ रहे हैं बकायदा टिकट के साथ, ऐसा नहीं भी गुरविंदर नहीं जाएगा तो उनकी मैरिज नहीं होगी, ये उनका प्यार है और मेरा और उनका प्यार संबंध है सर। दोनों की दोनों सेकंड लेग देखनी है सर, डेनमार्क 4120 की है सर, आगे इसको ABS का इंजेक्शन लगा है और दोनों की दोनों 40 लीटर पे जाएगी सर, देखिए सर, और 2 लाख में पेयर दिए, कहाँ पे जा रहा है, पंजाब में, अमृतसर के एरिए में, पंजाब में जा रहा है, 2 लाख में पेयर दिया है, बहुत अच्छी है सर, बहुत टॉप क्वालिटी, 10 डेज पेंडिंग है, अमृतसर अजनाला रोड पे हमारे पास कस्टमर आए थे वो लेके आए, पहले भी एनिमल लेके जा चुके हैं रेफरेंस से आए थे और 40 लीटर मिल्किंग करके, क्योंकि पंजाब के आदमी को बहुत अच्छी नॉलेज होती है, वो मिल्किंग निकाल आसान से निकाल लेते हैं। गाय का बॉडी वेट देख लिए सर, गाय का आर्डर क्वालिटी देख लिए, आर्डर कट देख लीजिए, हाइट देखिए, लेंथ देख लिए, चैलेंज है कोई ऐसे रेट में एनिमल दे देता। हमारे क्या होता है एनिमल डायरेक्ट फार्मों से प्रोसेसिंग होती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है
कम मार्जिन से एनिमल पे दें, कम मार्जिन से हम एनिमल देते हैं। हम भी इसको 1.5 लाख की सेल करना जानते हैं सर, हम भी इसको 2 बीस की सेल करना जानते हैं। आज तो सेल कर लेंगे लेकिन कल किसको सेल करेंगे सर? जैसा रेट है सर वैसे ही एनिमल मिल जाते हैं, जैसा कस्टमर भाव लगाना चाहता है वैसे ही एनिमल मिल जाते हैं। पर मैं आपको बताता हूँ, अगर पंजाब आ रहे हो, आपका बजट कम से कम 80 के समथिंग प्लस हो, तभी जाके आपको एक अच्छे एनिमल मिलेंगे। क्योंकि कई भाई वीडियो के माध्यम से आ जाते हैं, कई भाई वीडियो बोल देते हैं 65 में 30 लीटर वाली, वो तो आपको 65 में तो 30 लीटर वाली रेडी भी नहीं होती सर, वो आपको दे कहाँ से देंगे? तो फिर आपके डेयरी फार्म फेल होने का कारण यहीं पर रह जाता है, भी आप मिसगाइड हो जाते हो। अगर आपको अच्छे एनिमल लेने हैं, अच्छा डेयरी फार्म करो। मैं तो आज तक नहीं बोला भी गुरविंदर एक बेस्ट है, ना ही मैं बोलूँगा। अगर आपको अच्छा लग रहा तो हमारे डेयरी फार्म पे आओ, नहीं लग रहा तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हैं, वहाँ पे चले जाओ। पर वहाँ पे जाओ जहाँ पे जिनको पास एक अच्छी नॉलेज, अच्छी एक्सपीरियंस है, जिनको गाय के बारे में पता है कुछ, जिनका खुद का फार्म है, उनको वहाँ पे पास जाओ। जो जिसके घर पे एनिमल नहीं है, वो वीडियो उनके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप चले जाते हो, उनको कोई नॉलेज नहीं होती, तो तब आपका डेयरी फार्म एक लॉस में चला जाता है। अगर आप एक अच्छी ब्रीड करना चाहते हो तो एक अच्छे फार्मर के पास जरूर चूज़ करो। फर्स्ट पॉइंट एक अच्छा फार्मर रहेगा आपका। मैं भी इनको सर 120-130 लेना जानता हूँ, मेरे में भी दम है, मैं बहुत साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैं इनको सेल कर सकता हूँ इतने में। पर आज तो सेल कर दूंगा, पर कल किसको सेल कर दूंगा? पैसा सभी का मेहनत का है, जो ग्राउंड लेवल से उठा होना ना, तो उसको पता रहता है भी जो कस्टमर तेरे को प्यार करते हैं, वो तेरे पे बहुत अच्छा ट्रस्ट करके आ रहे हैं। आज उनसे हमें पैसा जरूर ले लेंगे, वो पैसा किस काम है? वो किसी काम नहीं है। जब आगे जा लेने बोल देने भी तुम्हारी गाय महंगी है, तुम तो लुट गए, तो वहाँ पर मेरा मन दुख ही होएगा। वहाँ पर मैं बोलूँगा भी मैंने ये पैसा किस काम है, क्योंकि मैंने एक अच्छी करके गाय दी थी, आगे वाले ने ये बोल दिया भी तुम्हारी गाय बहुत महंगी है। तो मैं क्या करता हूँ सर, मैं एक अच्छे एनिमल देता हूँ लो मार्जिन से, भी कहीं भी किसी भी कस्टमर का टाकर आना, भी कहीं भी डेयरी फार्म से लेके आओ, तो वो अपने जेन्युइन रेट बताएं, बता चढ़ा के मत बताओ भी उधर लेके आए, जेन्युइन रेट से जितने एनिमल लेके उतने रेट से बताओ। अगर आगे वाले ने बोल दिया भी गाय महंगी है, तो गुरविंदर डेयरी फार्म में कभी भी ना, मैं ये बोलता हूँ, तब आओ जब आगे वाले ने बोल दिया भी आपके एनिमल भी बेस्ट है और एक रेट भी जेन्युइन है सर, और आपके एनिमल में क्वालिटी भी है, तब मज़ा आता है, तब दिल खुश होता है सर। ऐसे तो हम भी बोल के बेच सकते हैं, कोई कस्टमर विश्वास पे आ देते हैं, बोल देंगे 50 लीटर 45 लीटर भी फर्स्ट में दिया है तो 50 लीटर देगी इस बार, कस्टमर से 1.5 लाख भी ले लेंगे, कस्टमर ट्रस्ट पे आया है। पर लेकिन क्या होता है, फार्मर का पैसा बहुत मेहनत का है, हम क्या अगर 45 बताता ना तो हम 40 ही बोलते हैं, क्योंकि 5 लीटर तो वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से, खान पीन से, जब मौसम से मिल जाती है, तो कई बार 2-4 लीटर और कम हो जाता है। अगर गाय का मिल्किंग है उनको 35 भी निकल जाए ना, तो कस्टमर खुश हो जाता है। जब हम 40 लीटर बोलते हैं, गाय का मिल्किंग खाली 10-12 लीटर निकलता है, तो वहाँ पे मन दुखी होता है सर, तो वहाँ पे कस्टमर एक ठगा हुआ महसूस करता है, मैं पंजाब में गया था, मेरे को लूट लिया। वहाँ पे पंजाब में क्या होता है, बहुत सारे अच्छे फार्मर भी है, बहुत सारे बुरे भी हैं, सभी के बारे में अपना अपना स्टैंड है, सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, चल रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हम किसी की लूट ना हो, हमारा ये मकसद रहता है, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो, अच्छा व्यवहार बनाओगे तो आज बहुत अच्छा प्यार मिलेगा। अगर आपके ऊपर ट्रस्ट है उन कस्टमर फार्मर के साथ, तो अच्छा ट्रस्ट बनाओगे तो आपके साथ ट्रस्ट है। तो मैं इनकी बात बता दूं, जो इनके पास एनिमल जा रहे हैं, मैं अभी तक उन्होंने 10 एनिमल परचेजिंग किया, तो मैंने उनसे कितना लिया, 50,000 रुपये लिया एडवांस। तो वो बोलते हैं भाई, मैं क्या पैसा डलवा लो, पैसा डलवा लो, मेरे को 3 बार बोल चुके हैं। मैं बोलता हूँ भाई रुको, अभी पैसा आ जाएगा, कहाँ जाता है यार, क्योंकि अगर हमारे ऊपर वो ट्रस्ट करके हैं तो हम भी उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं सर। हमारा ऐसा काम नहीं है, अभी पहले एनिमल ले लिया, पूरी पेमेंट डलवा ली, भी कस्टमर को कोई पसाया नहीं जाता, कोई ये नहीं, मिसगाइड नहीं किया जाता। हम बोलते हैं जेन्युइन काम हो, कस्टमर को अच्छा लगा एनिमल लो, कोई फोर्स नहीं करते, जहाँ से आपका अच्छा लग रहा वहाँ से एनिमल ले लो।